2022 तक सबको मकान मिलेगा, सबको बिजली का कनेक्शन मिलेगा, ठीक है ना? आप इतना ध्यान दीजिए। दीदी आज आप झांसी आई, नरेंद्र मोदी की कौन सी बातें लेकर आप झांसी आई आज? देखिए आज मैं झांसी यहाँ आई हूँ, सबसे पहले तो झांसी की इस पावन नगरी को मैं नमन करती हूँ। और हमारी ये जो पूरी महिलाओं की टीम दिख रही है आपको, हर महिला यहाँ झांसी की रानी है। और यहाँ से ये जो हमारी महिलाएं हैं, ये जो मातृशक्ति हैं, ये पूरे देश को संदेश देने का काम करेंगी कि जिस तरह से रानी लक्ष्मीबाई जी ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे, उसी तरह से इस बार के चुनाव में हमारी जो बहनें भ्रष्टाचारियों के और राष्ट्रद्रोहियों के नाको चने चबाने वाली हैं। इस बार जो उत्तर प्रदेश सपा बसपा गठबंधन है, इससे आप किस तरह निपटेंगे? देखिए मैं सपा और बसपा के गठबंधन को गठबंधन कम डरबंधन ज़्यादा कहती हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये दोनों पार्टियों का 36 का आंकड़ा रहा है। आज मोदी जी का डर है कि दोनों को एक मंच पर ला दिया, लेकिन सिर्फ दल मिले हैं, दिल नहीं मिले हैं। और आपको पता होगा कि ये पार्टियाँ देश के विकास के लिए और सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही हैं, ये पार्टियाँ सिर्फ और सिर्फ अपने अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव लड़ रही हैं। इस बार का चुनाव जीतने के बाद आगे आपकी क्या क्या कार्य रहेंगे सरकार द्वारा? देखिए सरकार ने जो विकास का बीज बोया है केंद्र सरकार ने, उसमें जो अधूरा रह गया वो हम आगे काम करेंगे। और इस देश को विश्वगुरु बनाने की राह पर प्रधानमंत्री जी ने जो खड़ा किया है, विश्वगुरु बना कर रहेंगे और देश को जो छठी अर्थव्यवस्था आज की डेट में 5वीं अर्थव्यवस्था बनाएंगे और विकसित देश की श्रेणी में ला कर खड़ा करेंगे।